जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, इस विधि का उपयोग करके आप इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीसाइकिस आपको सिखाता है कि आप कैसे चुनौतियों का सामना करके उन पर काबू पाकर इंस्टेंट रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने भीतर की असाधारण शक्ति को चैनलाइज करने में मदद करता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भविष्य की घटनाओं की कल्पना कैसे करें। सेल्समैन, टीचर, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, लगभग सभी लोग जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वे इन तकनीकों का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ वास्तविक लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं आपके साथ उन घटनाओं और तकनीकों को शेयर करने जा रहा हूँ। आप अपने भीतर की अनंत शक्ति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप वीडियो में बताई गई तकनीकों और अभ्यासों का पालन करते हैं, आप पाएंगे कि यह एक आंतरिक कौशल है। आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप खुद समृद्ध बन सकते हैं, आपकी छिपी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं और खुद की बीमारी, असफलता, कमी और सभी प्रकार की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, मैंने एक स्टूडेंट से बात की। वह अपने ग्रेड कम आने की वजह से परेशान था और भारी तनाव से गुजर रहा था। वह बताता है कि मेरे माता पिता मेरी आलोचना करते हैं और मेरी एक बहन है जो पढ़ने में बहुत अच्छी है और वह अपनी सभी परीक्षाएं आसानी से पास कर लेती है। मैंने इस युवक को तुरंत अपनी बहन से तुलना करने के लिए मना किया। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तुलना करना एक घृणित कार्य है। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक इंसान अद्वितीय है और हर कोई अलग अलग उपहारों के साथ पैदा हुआ है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करके आप दूसरे व्यक्ति को एक आसन पर बिठा रहे हैं और खुद को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही आप अपनी क्षमताओं को इग्नोर करके आप अपनी बहन की गतिविधियों और सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह केवल तनाव पैदा करेगा और तनाव चिंता का निर्माण करेगा। आप सभी समस्याओं को जीतने में, सफल होने में और दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। आपके पास अनंत शक्ति है। ऐसा करने से आप उनका अनादर कर रहे हैं और यदि आप उनकी मदद लेना सीख गए तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप तनाव से तो दूर होंगे बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको इसे रात को सोने से पहले मानसिक रूप से करना होगा। आपको इन पंक्तियों को दोहराना है। मैं अपनी पढ़ाई में सफलता और उपलब्धि की सराहना करता हूँ। मेरे पास अनंत बुद्धि है जो मेरी पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन करती है और वह सब मुझे जानकारी देती है जो मुझे जानना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे और चेतन मन में एक अद्भुत संपूर्ण स्मृति है। मैं अपने सभी एग्जाम ईश्वरीय मार्गदर्शन से पास करता हूँ। मैं हर रात चैन से सोता हूँ और खुशी से जागता हूँ। उस लड़के ने इस प्रार्थना को डेली रात को सोते हुए किया और उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया। जैसे ही आप इन पंक्तियों को दोहराते हैं, उसी समय आपको साथ साथ विजुलाइज भी करना है, जैसे कि आप वही काम कर रहे हैं या वह काम हो रहा है जो लाइन में लिखा हुआ है। टैली का अर्थ है संचार और मानस का अर्थ है आपकी आंतरिक आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मानस या आत्मा के संपर्क में होते हैं। यह आपके विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। एक लेडी ने हाल ही में फ्लाइट से पेरिस जाने की योजना बनाई, लेकिन एक रात पहले उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने एक सपना देखा और सपने में उसने विमान को क्रैश होते हुए देखा और उस लेडी के भीतर की आवाज़ ने उससे कहा, अभी मत जाओ, और वह जाग गई। उसने खुद के आंतरिक निर्देशों का पालन करते हुए अपनी उड़ान को, अपनी फ्लाइट को रद्द कर दिया। संयोग से ऐसा हुआ कि जो उसने विमान चुना था वो अगले दिन क्रैश हो गया। उसके अवचेतन की मार्गदर्शक भावना ने उसे बचाने के लिए घटना को घटित होने से पहले ही उसे बता दिया था। विमान के क्रैश होने की योजना यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही थी और जब उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, जवाब उन्हें उनके यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से उन्हें प्राप्त हुआ। वह प्रार्थना इस प्रकार है, मैं जहाँ भी जाता हूँ दिव्य प्रेम मेरे सामने होता है जो मेरे रास्ते को आनंदमयी, सुखी और गौरवशाली बना देता है। भगवान के प्रेम और शांति का ओरा मुझे चारों ओर से घेरे हुए है और मेरे भगवान हमेशा मुझे देखते रहते हैं। मैं एक लाभदायक, आकर्षक जीवन धारण करता हूँ। ये प्रार्थना अवचेतन मन की अनंत बुद्धि के साथ सच्ची दूरदर्शन और वास्तविक संचार है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। यह विचार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया यूनिवर्सल है। प्रार्थना में आप उच्च समय के साथ संवाद करते हैं, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं और कुछ सर्वशक्तिमान और कुछ अल्लाह।
आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि आपका विचार अनंत शक्ति को प्रतिक्रिया करने का कारण बनता है। कॉल करने पर आपको जवाब मिल जाता है। आप एक दिव्य वचन और आत्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसा आप कहते हैं वैसा आपको उत्तर मिलता है। थोरो ने वर्षों पहले कहा था कि हम वही बनते हैं जिसकी हम समय छवि बनाते हैं। आपके मन में जो भी मानसिक ऊर्जा है उसे जब आप धारण करते हैं तो यह आपके अनुभव में परिलक्षित होता है। संडे की एक सुबह हाबिल थिएटर में मेरे ध्यान सत्र में अक्सर भाग लेने वाले एक बिजनेसमैन ने मुझे बताया कि उसने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे किया जिससे वह असाधारण रूप से एक अप्रभावी रिजल्ट प्राप्त कर पाता है। उसके बिजनेस में काफ़ी सारे इशू आ रहे थे, सेल भी कम होती जा रही थी। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था। वह अपने ऑफिस में सामने की ओर सफ़ेद दीवार पर देखता है। जैसे ही वह अपना ध्यान खाली सफ़ेद दीवार की ओर लगाता है उसने उस दीवार पर वर्ष के अंत में सेल का ग्राफ बनाना शुरू कर दिया और उसने वो राशि तय की जो उसे अपने बिजनेस से साल के अंत में चाहिए थी। वह जब खाली होता तो वो यही करता। ऐसा करते करते ये सेल के तय आंकड़े कब उसके अवचेतन मन में उतर गए उसे पता ही नहीं लगा और उसने पाया कि साल के अंत में उसने शानदार उपलब्धियों को हासिल कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला उसने कब अपने सेल्स के टारगेट को हिट कर दिया था, बल्कि उसने उससे ज़्यादा करके दिखाया। वास्तव में हुआ ये कि उसका अवचेतन प्रभाव हमेशा महान शांति की भावना के साथ था। उसकी कार्रवाई में एक दूरदर्शीवाद था जिससे उसकी मानसिक छवि उनके मानस अवचेतन मन से संचार करती थी, जो कि एक प्रार्थना आनंद के रूप में प्रकट हुआ था। यह सच है क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा जो भी कुछ प्रभावित होता है उससे बड़ा करता है। अपने अवचेतन मन को सही मानसिक छवि दें। आप अपने दिमाग में जो भी तस्वीर बनाते हैं वह विशेष रूप से भावनात्मक हो सकती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और टेली साइकस का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।